लास्ट ईयर पे इसमें तो बिल्कुल वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है सर। वाइस वाइस क्या है? एक तो सोलर से भी आता है, दूसरा सारा खाली है। ये खाली चीजें रखा है सर, ये हमारा बिजली बिल मोबाइल मांगो हम उसे तो कोई किसान नहीं बता, मिस यूज हो रहा है, मिस यूज पर जाते हैं। 1,00,000 रुपये पर बात आता है, 1,00,000 रुपये पर बताया पूरा चीज होंगे। एक 93 करोड़ मुझे जिन्हें बिजली का बिल पे करना था, तरीका सुबह सर नजर आपको स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट जाकिर हुसैनी का सबसे पहले अपना मीडिया पर ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर हायर एजुकेशन एजुकेशन जाकिर हुसैन साहब एक्सन आर एन बी चीफ एजुकेशन ऑफिसर ना एडबली ऑफिशियल साहब रिंग निका जम्मू बॉयज हॉस्टल नगर हॉस्टल विजिट दस्कत दे फिलहाल मैं तमाम जम्मू स्टूडेंट फ्रेटर्निटी तरफ न कहाँ हजूर सलीम मजद की कौन स्कूल के कीमती वक्त का नक़त में से दिक्कत वाकई यहाँ देने का तो दिखाना चाहिए हॉस्टल माइनर इशू रिगे गर्ल हॉस्टल बॉयज हॉस्टल ने क्योंकि जो वैसे पहला अति सबका सी सी साहब इन यहाँ अति कौंसल की तरफ से काफ़ी लस डुले लस अध्यक्ष आते मगर यहाँ लोग माइनर इशू रिगे लस का चाहिए दोनों मल्ले बचना पर दोनों मैच दखन ए सी साहब ने एक्जन साहब ने बाकी सी ओ साहब इन खुला जब इनशाला अच्छा उम्मीद है कि दी नया कौंसल को जो डॉक्टर जाफर अखुन साहब कायदा थे तो इन स्टूडेंट ही एक गा सोना उदार भी करना दो निका खड़ा होता है। तेने कजुक दक्सा तेने नजंग यपो लगा खरंग वंगे जो यार गैस लांच सोक्स कारगे ले तेने जिंश क्यों गा था जंतर नास को सिंजिश क्यों जाके उसे जंबो इश्क्यो देने से ने कौन गा था दिल्ली का जंबो चाम सिंह गा था हॉस्टल और कारगे ले गा था बॉयज गर्ल्स हॉस्टल से व्यवस्था तो खुदा इश्क्यो तेने काले कजुक शिम बोले मेरा कजुक शिक जिक्स गा था हॉस्टल को नहीं हरा था तेने कजुक कंडीशन दिख तो कहीं रहता तो गा जाके कजुक दास सिंह क्यों गोशे तो यंग तो उन्होंने गा था स्पेरा किचिक तेने हलम लोग हचिक ना फाला गा था ये हॉस्टल गुन सुज गा हैंड ओवर मचो तो जब कने गा था स्पेरा भी तो कल सो पाते उन गेना देरिन हैंड ओवर मचो जच्चे से जब कने स्पेरे की तो का कजुक शुमा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जब से मैंने मौका में तालीम के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने देखा पहले भी पहले जो हमारे सी सी साहब थे डी सी साहब थे और अभी के डी सी साहब हैं और सी सी साहब पहले वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले वाले सी सी साहब ने मतलब उनको लाइब्रेरी वाले काम कर दिया है, उससे हट के उसको सोलर पावर प्लांट का बैकअप दिया है, तो उनके बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो फैरोज साहब के दौर में मतलब काफ़ी रिजॉल्व हुआ है। कुछ इशूज़ है जो रिजॉल्व अभी होना है, उन पर हम ज़रूर काम करेंगे और इनके नीड के हिसाब से जो कुछ भी करना है वो आने वाले कल में ज़रूर होगा। और फिर डब्ल्यू डी में बस उन्होंने भी मतलब इस हॉस्टल के अंदर बहुत सारा काम अच्छा किया है और इस हॉस्टल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया है। और जो अभी प्रेजेंटली जो काउंसिल जो डॉक्टर मोहम्मद जाफर आफोन की क़यादत में जो काउंसिल बना है वो उस काउंसिल का भी यही कोशिश रहा है कि पहले वाले काउंसिल ने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाने
करने के लिए जो जो भी मतलब हिस्टोरिकल स्टेप्स लेके काम किया है उनके नक्शे कदम पे चल के हम इस एजुकेशन की क्वालिटी को आगे लेके जाना चाहते हैं। इस एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनके इनको हम फैसिलिटीज़ देने के लिए जो जो भी स्टेप्स लेना है उस किस्म के स्टेप्स को ले लेंगे और इस सिलसिले को आगे लेके जाएंगे। अभी आपने कहा कि वो हैंड वर्टेक वर्क ठीक है, वो प्रोसेस चल रहा है ठीक है। हम चाहते हैं कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैंड वर्क हो जाए, आपका PWD जो है वो एजेंसी रहे, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी रहे, यानी ये सब कुछ करने का मतलब है कि जो कारगिल के जो चार हॉस्टल हैं उसमें से दो आपका कारगिल श्रीनगर में है, दो आपके इधर जम्मू में है, उन चारों हॉस्टल में हम सिस्टम को ठीक तरह बनाना चाहते हैं। अगर आपके हॉस्टल में सही तरीके से सिस्टम बन जाता है ठीक है, तो उस सिस्टम का लाभ जो है, फ़ायदा जो है इन स्टूडेंट्स को ताकि हमें मिले। बहुत सारे सिस्टम को इस हॉस्टल के अंदर जिंदा करने की ज़रूरत है। हमने वार्डन को भी बताया है, सीओ साहब को भी बताया है, अभी जब हम करगिल पहुंचेंगे तो CC साहब के साथ मिल के LHDC जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठ के इन सारी चीज़ों पर मीटिंग करेंगे। जो जो भी सिस्टम हॉस्टल में मतलब नया जो सिस्टम हॉस्टल में जब इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है उन सारे सिस्टम पे मतलब एक्सपर्ट्स को भी ला के हम मतलब उन पर डिलीवरेट करेंगे ठीक है, तो उसी हिसाब से सिस्टम बनेगा और लागू होगा। लेकिन चार के चार जो हॉस्टल चारों हॉस्टल के वार्डन को मैं आपके माध्यम से भी और इनको जो अभी मेरे साथ ही उनको मैंने बता भी दिया है तो आपके माध्यम से मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जब तक आप हॉस्टल के अंदर सिस्टम को ज़िंदा नहीं करोगे तब तक तो हॉस्टल जैसा आपको नहीं लगेगा, वो एक सराय से बदतर लगेगा। लिहाज से सबसे पहले सिस्टम के ज़रिए हर कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। जी सर, जिस तरह से यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बताए, यहाँ पे बेड शीट्स वगैरह उनका प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, इन सब पे आपका क्या कुछ स्टेप रहेगा, क्या आप कुछ स्टेप लेना चाहेंगे? सुनिए, अभी हमने बहुत सारे डिसीजन गर्ल्स हॉस्टल में ले लिया, एक साहब भी मेरे साथ था ठीक है, हैंड वर्क टेक वाला भी हो गया, तो ये भी जिस पैटर्न पे बाकी हॉस्टल को हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए काम किया उसी पैटर्न पे काम करके इस हॉस्टल में भी जो इश्यूज उनको रिजॉल्व करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो सर, जिस तरह से हैंड वर्क टेक वर्क की आपने बात की, शायद कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज इनको देना चाहिए उस लेवल का, वो शायद ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ना होने के कारण शायद इस पर कमी रहा होगा। ना होने के बावजूद भी इन हॉस्टल में आज वो फैसिलिटीज है जो फैसिलिटीज़ आपके जम्मू कश्मीर के किसी भी हॉस्टल में नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो भी हॉस्टल है, चाहे भी आपका जम्मू में छन्नी रामा में है, चाहे आपके इधर सिद्धवा में जो गर्ल्स हॉस्टल नया बना है, चाहे आपके सन्नार में जो दो हॉस्टल हैं, इन चारों हॉस्टल में सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया है ठीक है ना। ऐसा फैसिलिटीज़ मुझे अब एक बात बताओ, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, हमें पता है वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है, बाकी हॉस्टल है कहीं नहीं, सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज इन हॉस्टल में है। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि उससे भी जो अभी फैसिलिटीज है उसमें भी मतलब बेहतरी आया, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल दोनों मिलकर काम करेगा, हम जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इम्प्रूव करा देंगे, कोई इशू नहीं। सर, जिस तरह से किसी भी कौम को आगे जाने के लिए उसकी यूथ का एजुकेशन सिस्टम सही होना ज़रूरी है, आप उसके लिए क्या कुछ काम करना चाहेंगे, क्या कुछ स्टेप लेंगे? उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप करगिल के अंदर कह रहा है कि जम्मू में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल में देखो करगिल की जब हम बात करेंगे पहले से करगिल के अंदर एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म आया है ठीक है। अब भी नया काउंसिल डॉक्टर साहब की क़यादत में बना है, इस पूरे काउंसिल का एक कलेक्टिव मोटिव यह है कि एजुकेशनल सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहते हैं। उस प्लान के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मतलब डेवलप किया जाए, दूसरा कंपोनेंट उस स्कूल के अंदर ठीक है मतलब एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उस पे हम इस विंटर में बैठेंगे, बैठ के इस पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे, उस प्लान को फॉलो करेंगे और एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल एक रिफॉर्म लाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आज फिर बताना चाहता हूँ, पहले जो काउंसिल था उन्होंने करगिल के अंदर एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम किया है, मैं पहले वाले काउंसिल का भी एक पार्ट था, यकीनन पोजीशन में था,
लेकिन जिस शख्सियत ने काम किया वो हमें हमेशा बोलना चाहिए, फेरोज साहब और जो हमारा साबिका डीसी है संतोष सर, उन्होंने काम किया, उनके माध्यम से एजुकेशन सेक्टर में करगिल के अंदर काफ़ी रिफॉर्म आया। मैं आपके माध्यम से उन दोनों को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनके नक्श कदम पर चल के हम ज़रूर इस सिलसिले को कहीं रोकने नहीं देंगे, इस सिलसिले को आगे लेके जाएंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे करियर के मुस्तकबिल हैं, उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा। शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।